सम्मान की लड़ाई भी है और ट्रॉफी की लड़ाई भी है। अच्छा फिलहाल टाइम आउट लिया गया है, छोटा सा ब्रेक लिया गया है। तो पीआईपी स्टैंड में मौजूद हैं आज के फाइनल बैच के ऑनरेबल चीफ गेस्ट डॉक्टर हर सिंह रावत, वन एवं पर्यावरण मंत्री उत्तराखंड सरकार, और 11 नौ पे बीजी रूटी की टीम सर्विस करेगी। और ये तो हमेशा बहुत शानदार, लेकिन काफी नजदीकी मुकाबला थी। मैच खुला अभी दोनों टीमों के लिए। अच्छी रैली चलती हुई दर्शकों के लिहाज से, बहुत शानदार स्मैश और पावरफुल स्मैश। और दर्शकों से हमारा निवेदन रहेगा कि थोड़ा यहाँ पर अपनी मौजूदगी बनाए रखें, क्योंकि मुख्य अतिथि के द्वारा पुरस्कार वितरण समारोह होना है। तो सभी वॉलीबॉल प्रेमियों से निवेदन है कि पुरस्कार वितरण समारोह यानी समापन समारोह तक आपने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, और वॉलीबॉल प्रेमी की भांति यहाँ पे कार्यक्रम का जो समापन हो रहा है उस तक रहना है। फिलहाल मैच जारी है। और इसी के साथ एक शानदार मुकाबला गुलेरी और पीजी के मध्य हुआ। और कृपया करके आप अपने स्थान पर बैठे रहे और सभी को पुरस्कार वितरण, खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण करेंगे। बहुत भली भांति इस आयोजन को समापन किया है, और अभी अभी आपने आंखों देखा है कि पीजी रुड़की ने यह मैच अपने खाते में लिखा दिया है। खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा करके हमारे पर जो उपकार किया है उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लोगों ने इसमें अपना तन मन धन, मेरी दोनों टीमों से भी अनुरोध रहेगा, दोनों टीमें अपनी आगे आ जाए, एवं पर्यावरण मंत्री उत्तराखंड सरकार उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि अब इस प्रतियोगिता के समापन में अपना संबोधन रखेंगे आदरणीय डॉक्टर हरक सिंह रावत जी। आज बहुत ही अच्छा मैच था, और मैं सोच रहा था कि शायद जल्दी मैच समाप्त हो जाएगा, लेकिन पूरे 5 मैच और वो भी अंतिम मैच भी बहुत ही अच्छा था। एक बार दोनों टीमों के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, क्योंकि जीत हार तो लगी रहती है, लेकिन दोनों ही टीमों ने बहुत अच्छा खेला और उत्साह बढ़ाया हम सबका, और उन सबका उत्साह हमने बनाया। आज इस मैच के आयोजक लक्ष्मण सिंह बिष्ट जी, विनोद रावत जी, भगत सिंह रावत जी, संदीप गिड़ियाल जी, श्रीमती सिमरन जी, पिंकी खंतवाल जी, हमारे मिश्रा जी, उनियाल जी, गौरव जोशी जी, हमारे पार्षद कुलदीप सिंह जी, और सभी भाई और बहनों, सम्मानित कंडारी जी, और इस पूरी आयोजक टीम जिन्होंने इस कार्यक्रम का, इस तारकेश्वर नगर में इस कार्यक्रम का आयोजित किया, सभी भाई और बहनों, निश्चित रूप से दोनों टीमों के हमारे खिलाड़ी भाइयों, बड़ा अच्छा कार्यक्रम था, बड़ा अच्छा खेल था, और निश्चित रूप से ये ताड़केश्वर नगर निश्चित रूप से ताड़केश्वर महादेव के नाम पर बना है, और ये बहुत ही अच्छा प्रयास आप सब लोगों ने किया है। पहले शहीद ललित जी के नाम पर ये वॉलीबॉल मैच होता था, और इस बार समर्पित किया है नशा मुक्ति के लिए, तो एक अच्छे उद्देश्य के लिए आपने इस मैच का को समर्पित किया है। इसके लिए मैं पूरी ताड़केश्वर आयोजक वॉलीबॉल आयोजक टीम को बधाई देना चाहता हूँ और उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। निश्चित रूप से क्योंकि ये कोई कार्यक्रम इस तरह का नहीं था, लेकिन फिर भी लक्ष्मण बिष्ट जी ने कुछ समस्याएं यहाँ पर रखी हैं,
और ये कई बार मुझे मिलकर इस क्षेत्र की समस्याएं इन्होंने रखी हैं, लेकिन जब तक समस्याओं का समाधान होता, कोरोना महामारी पिछले एक वर्ष से कोरोना महामारी के कारण कोई काम नहीं हो पाए, और सारा बजट भी सरकार का इस समय विधायक निधि हो या विकास निधि हो, इस कोरोना महामारी के लड़ाई में खर्च हो गई। चिकित्सकों पर, दवाइयों पर, जो बाहर से लोग आए उन पर, सारी सरकार का ध्यान इस समय उस पर रहा, और एक साल हमारा ऐसा निकल गया। कुछ ये पिछले चार साल ऐसे निकले कि कभी उपचुनाव होते रहे, कभी नगर पालिकाओं के चुनाव होते रहे, कभी जिला पंचायत के चुनाव होते रहे, लोकसभा के चुनाव आ गए। हमने सोचा था ये लास्ट के दो साल ऐसे बचेंगे, जब कोई चुनाव नहीं होगा, सारा काम विकास के काम पर हमारा ध्यान जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से पूरे केवल उत्तराखंड में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में कोरोना महामारी होने के कारण जो विकास के काम तेजी के साथ होने चाहिए थे हम नहीं कर पाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछले चार सालों में हमने लगभग 50 करोड़ रुपया कोटद्वार की सड़कों के विकास के लिए, उसको अच्छा करने के लिए दिया है। इस समय भी हम 10 करोड़ रुपया हमने हर सड़क पर, चाहे रेल लाइन चौराहे से लेकर ये देवी रोड को, हम पूरा एक बार फिर इसको हॉटमिक्स का काम इस पे करा रहे हैं, इसको चमचमाती बना रहे हैं, बेल सड़क को भी चमचमाती बना रहे हैं। जो हमारे जो मुख्य मार्ग है उन सब के लिए हमने लगभग 10 करोड़ रुपया के आसपास हमने खर्च किया है, उस पे टेंडर भी हो गया है और उसपे काम भी हमने शुरू कर दिया है। लगातार हम इस क्षेत्र में, क्योंकि सड़कें इतनी ज्यादा है कि मैं पिछले 40 करोड़ रुपया मैंने पिछले चार सालों में सड़कों के लिए किया है, लेकिन हर बार ऐसा लगता कि इतनी गलियां, इतने मोहल्ले हैं कि उसपे संभव नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ काम ऐसे हो जाए जो हमेशा के लिए कोटद्वार उस ऊंचाई को छू पाए। और मेरा प्रयास है, जब मैं लहसुनों से विधायक था तब भी मैंने कुछ ऐसे काम किए कि जो आज लहसुनों तरक्की के रास्ते पे आगे गया, लेकिन मैं कुछ ऐसे काम करना चाहता हूं कि जो गली मोहल्ले के लिए पूरे कोटद्वार के तरक्की हो, पूरे पौड़ी जनपद की तरक्की हो, पूरे गढ़वाल की तरक्की हो, पूरे उत्तराखंड की तरक्की हो, वो काम हम करना चाहते हैं। लेकिन आप सबके आशीर्वाद, तड़केश्वर महादेव के आशीर्वाद से हमने पाखरों से कॉर्बेट का गेट खुलवा है, रथवा ढाब कांडा ढिकाला गेट हमने पौड़ी से खुलवाया है, और आज टूरिस्ट धीरे धीरे इस तरफ आने लगा। टाइगर रिजर्व में ये पहली टाइगर सफारी हम पाखरों में बना रहे हैं, और मैं कल देखने के लिए गया था, मुझे खुशी है इस बात की कि लगभग एक किलोमीटर बाड़ा टाइगर के लिए 1 किलोमीटर बाड़ा बनकर तैयार हो गया है, और मार्च में हमारा एक बाड़ा तैयार हो जाएगा, और हम अगले 2-3 महीने के अंदर 2 टाइगर को हम उन बाड़े में छोड़ देंगे, जिससे कि टूरिस्ट जो दुनिया के किसी भी कोने में आएगा, जो हिंदुस्तान से किसी भी कोने में उत्तराखंड में आएगा, वो कोटद्वार पाखरो जरूर आएगा टाइगर देखने के लिए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान और दुनिया के जो जीव जंतु प्रेमी हैं वो टाइगर जरूर देखना चाहते हैं, और टाइगर प्रेमियों की संख्या पूरी दुनिया में करोड़ों करोड़ों के रूप में है। और जिस दिन आने वाले 2-3 सालों में कोटद्वार उस ऊंचाई को छुएगा जिसकी शायद हमने कल्पना भी नहीं की थी, जिसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लोग यहाँ मैं सोचता हूँ एक इंच जमीन की कीमत बढ़ जाएगी, यहाँ इतने रिसोर्ट खुलेंगे कि उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी तरह हम कर्ण आश्रम में लगातार उसके हमने वहां जू बनाने का काम शुरू कर दिया है। लगभग 600 मीटर आप जाकर देखेंगे, 600 मीटर लगभग दीवार हमारी जू की बाड़ा हमारा बनकर तैयार हो रहा है। एक तरह हम सने के क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, दूसरी तरफ कर्णाश्रम के क्षेत्र में विकास कर रहे हैं कि जो कोई जीव जंतु प्रेमी आए, चक्रवर्ती राजा भरत की धरती पर आए, वो यहाँ हिरण देखे, टाइगर देखे, लेपर्ड देखे, हाथी देखे, और यहाँ छोटे बच्चों के लिए भी निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा रमणीय स्थल बने। मैं निश्चित रूप से आज आप सबके बीच में, क्योंकि अवसर नहीं है, लेकिन क्योंकि भाई लक्ष्मण जी ने कहा तो मुझे ये बात कहनी पड़ी। ये हो सकता है कि सबको कोई खुश नहीं कर सकता, मैं आज आपको विश्वास दिलाऊं कि लाख अगर 100 करोड़ रुपए भी कोटद्वार में हम सड़कों के लिए दे दें
तो हर हर गली की गली नहीं बन सकती है। कारण क्या कि जिन्होंने प्लॉट बनाए, प्लॉट बेचा, उस समय उन्होंने सोचा ही नहीं, प्लॉट भी बेच दिया लेकिन सड़क नहीं बनाई। अब सड़क बनाने के काम विधायक जी का, जो भी विधायक रहेगा उसके उससे जिम्मे आ जाता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं, 20-25 करोड़ रुपया हम अभी हमारी इस वित्तीय वर्ष में भी हम सड़क के लिए स्वीकृत करेंगे। बड़ी सड़कों के लिए तो हमने कर दिया, जो भी बड़ी सड़कें, चाहे बीएल की बड़ी सड़क है, सारी बड़ी सड़कों के लिए तो हमने लगभग 10 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिया है। लेकिन 20 करोड़ रुपया हम अभी जो आंतरिक मार्ग है, छोटी छोटी गलियां हैं, उनके लिए हम स्वीकृत करेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। मैं निश्चित रूप से, जो आपने लाइब्रेरी के लिए भवन के लिए पैसा हमने दे दिया था, मैंने कहा भाई कुछ चंदा भी इकट्ठा करो। आधे आदमी की आदत होती है कि अगर फ्री में कोई चीज मिलती तो पढ़ता है, जैसे अखबार अगर फ्री में मिल जाए तो कोई अखबार नहीं पढ़ता, लेकिन अगर 3 रुपया खर्च होता है तो हम उसकी एक एक लाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा किताबें कुछ सब लोगों से सहयोग लो, किताबें सब लोग दे दें जिसके पास जो किताबें, लेकिन फिर भी मैं विश्वास दिला रहा हूं कि चाहे मैं पैसा दूं चाहे किताबें दूं, मैं व्यवस्था कराऊंगा आपकी लाइब्रेरी में। हमने कोशिश तो नगर पालिका में भी लाइब्रेरी बनाई थी, आज वो कोई जाता नहीं वहां पढ़ने के लिए। मैंने इसलिए कहा लक्ष्मण भाई से कि कोई पढ़ने भी आएगा नहीं आएगा, अगर आएगा तो किताबें जितनी आपको चाहिए किताबें मैं दिलवाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दे रहा हूं। लेकिन पढ़ने वाले विद्यार्थी भी चाहिए आपको। ये बात सही है लक्ष्मण भाई की कि इंटरनेट का जमाना जरूर है, कंप्यूटर का जमाना जरूर है, लेकिन जब तक हम हैंडराइटिंग, अगर हमको कोई चित्र बनाना है तो कलम तो चलानी पड़ेगी, और लिखने से जितना अच्छा ज्ञान हो सकता है, लिखने से जितना आप प्रैक्टिस करेंगे लिखने की, उतना आपका दिमाग, उतना आपको ज्यादा नॉलेज होगा। दोनों का अपना महत्व है, कंप्यूटर का अपना महत्व है, इंटरनेट का अपना महत्व है, लेकिन किताब का अपना महत्व है। किताब का महत्व कंप्यूटर इंटरनेट खत्म नहीं कर सकता है, ये हमको जरूर मैं कहना चाहता हूं। जितनी भी किताबों की आवश्यकता होगी, चाहे उसके लिए धनराशि की आवश्यकता होगी, हम आपको उसके लिए हम व्यवस्था करेंगे। जहां तक इस वॉलीबॉल का सवाल है, जो इसके लिए आपने कहा, मुझसे पहले भी कहा था आपने, अब खर्चा कितना है आपका पहले से सर? ज्यादा खर्चा थोड़ी आया होगा है भाई साहब मुनियाल जी? अच्छा 2 लाख का है, 50। चलो 50,000 रुपए की, 51,000 रुपए की व्यवस्था मैं कर रहा हूं। तो मैं बाकी सब आप लोगों ने मदद की होगी, और लेकिन जो प्राइज वाला जो धनराशि है उसकी व्यवस्था मैं करूंगा के लिए, आप सबके लिए, क्योंकि ये बात सही है कि मैच बहुत होते हैं लेकिन अगर आप लोग नहीं होते तो मैच का मजा नहीं आता। आरतोषी का निर्णायक, उनका अभिनंदन करने के लिए, क्योंकि 3 दिन जो ये टूर्नामेंट चला, सफल आयोजन, आप लोगों के बिना यह टूर्नामेंट अधूरा था। आदरणीय धीरेन्द्र सिंह रावत जी से मेरा अनुरोध रहेगा, सीधे अपने स्कोर के रूप में आप निरंतर प्रेरणादायक भी हैं एक स्पोर्ट्समैन के लिए, आज इतना अनुभव 78 वर्ष की आयु में भी आप, और अभिनंदन कर रहे हैं सॉल उड़ाकर आदरणीय कंडारी जी का, आदरणीय डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, एक इतने सीनियर होने के बावजूद अभिनंदन, और इस कार्यक्रम के रूप में आपने एक सफल कीमती समय अपना दिया, और स्कोर के रूप में आप इस टूर्नामेंट में रहे और आकर्षक का केंद्र रहे इस टूर्नामेंट। इंद्र सिंह रावत, सुरदीप गोसाई मेहरबान जी कॉमेंट्री में अपने, जो सुरदीप सिंह गोसाई और मेहरबान जी थे, मेरा एक एक करके सभी निर्णायकों और क्रमबद्ध रूप से आते रहेंगे अभिनंदन के रूप में, पारितोषी रूप में इस मनोबल बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप इस पूरे सफल टूर्नामेंट में निर्णायकों का पूरा निभाया और इस दायित्व को निभाते हुए आपने अपना पारितोषिक के रूप में, मेरा आदरणीय डॉक्टर हरक सिंह रावत जी से अनुरोध रहेगा, निरंतर सुनील रावत जी, सिमरन बिष्ट जी, कुलदीप रावत जी, लक्ष्मण बिष्ट जी, नागेंद्र उनियाल जी, अपनी कमेटी पूरा सहयोग करती रहेगी निरंतर, और हौसला अफजाई के रूप में आप इनको जोरदार तालियों से, कमेंट्री जान होती है किसी भी टूर्नामेंट की, उस कमेंट्री का आपने बखूबी, और हमेशा से ही आप इस क्षेत्र में बखूबी कमेंट्री का संचालन करते हैं, पेशे से आप प्रवक्ता हैं। 2 लोग रह चुके हैं जिनका पार्टिसिपेट रहना है, आप रिसीव कर लेंगे दोनों के लिए, धीरेन्द्र सिंह रावत जी का भी ले लेंगे।
तब्रेज, सुभमन, निक्की, सूरज, हर्ष, गौरव, हिमांशु, अभिषेक, दीवान सिंह, सभी से मैंने एक एक करके क्रमबद्ध रूप में आएंगे। पहले उपविजेता को मेडल पहनाकर सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करेंगे। आदरणीय डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, लक्ष्मण बिज जी, नागेंद्र उनियाल जी, मुन्नालाल मिश्रा जी, सुनील रावत जी, और मेडल पहनाकर पारितोषित करते जोरदार तालियों से कटल ध्वनि से अभिनंदन करेंगे। इन खिलाड़ियों का मनोबल आप ही लोगों से बढ़ता है और अगली बार भी ये टूर्नामेंट ऐसी सफल आयोजन हो रहा है। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी, चाहे वो विभिन्न राज्यों से हो, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली से हो, वो सभी यहाँ आपको आगे भी निरंतर मिलेंगे। और इसका पहला उदाहरण इस गुदेड़ी क्लब जो कि दिखड़ी खाल की एक लोकल टीम के रूप में थी और निरंतर अच्छा प्रदर्शन करे, इनका अभिनंदन कर रहे हैं अपने गणमान्य अतिथि। गुदेड़ी क्लब के खिलाड़ी थे जिनको उत्साहवर्धन के रूप में सुनील रावत जी अभिनंदन करते हुए, और निरंतर आप लोगों का कीमती समय यहाँ मिलता है। निर्णायकों से भी मेरा अनुरोध, जो जो आदरणीय सुरदीप गुसाई, सभी लोग मुख्य मंच पर आ जाएं और आप लोगों से अभिनंदन समारोह रहना है। पिंकी खंतवाल जी और निरंतर सुरू गुसाई जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष, विजेता धनराशि के रूप में यहाँ 11,000 की धनराशि टीम कैप्टन और फील्ड के साथ आशीष कुमार से मेरा अनुरोध रहेगा, ये शील्ड ले लेंगे और रिसीव कर लेंगे। और ये धनराशि जोरदार तालियों से, जो 11,000 विजेता टीम रही कुंडली क्लब दिखड़ी खाल, जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे इस टीम का। ये टीम इस उपविजेता के रूप में यहाँ टीम निकली और धन्यवाद प्रेषित करेंगे और अभिनंदन इस उपविजेता टीम का। पहाड़ की यह टीम गुंदेड़ी क्लब दिखड़ी खाल, लगभग दोनों मुकाबले बहुत कांटे के थे और रोमांच रनर टीम से इस युवा प्रतिभावान खिलाड़ी ने भी अपना लोहा मनवाया है इस टूर्नामेंट में, और आपको भी मैन ऑफ द मैच चाहता है मेरा अनुरोध। कोटवार को भी रिप्रेजेंट करता है और प्रतिभा की कमी नहीं है और इस टूर्नामेंट में आपने सफल मैन ऑफ द मैच आपको दिया जाता है, यह खिताब आपके नाम रहा। जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे जखमों लगा। आदरणीय सुनील रावत जी को भी पारितोषित होना है, मेरा अनुरोध रहेगा। आदरणीय डॉक्टर हरक सिंह रावत जी से, आप खेल जगत में निरंतर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और खेल प्रतिभाओं को आगे लाने का आप जो संकल्प लिया है उसके लिए आपको पारितोषित यहाँ किया जा रहा है, और मेरा डॉक्टर हरक सिंह रावत से अनुरोध की पारितोषित कर आदरणीय डॉक्टर हरक सिंह रावत जी। और मेरा समिति की ओर से पुनः सभी का धन्यवाद और ये टूर्नामेंट में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।